कृष्णा, तो आज हम हैं पाजक क्षेत्र में। पाजक क्षेत्र को ब्रह्म संप्रदाय के महान आचार्य माध्वाचार्य जी का जन्म स्थल कहा जाता है। तो यहीं पे माध्वाचार्य जी का जन्म हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे मंदिर है। तो यहाँ पे उनके कुल विग्रह अनंत पद्मनाभ जी की यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती थी। माध्वाचार्य जी का जो बचपन का नाम था वो था वासुदेव और उनके पिता का नाम था मध्यगे। तो यहाँ पे चार प्रमुख तीर्थ हैं। पहला है परशुराम तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ। तो यहाँ पे चार प्रमुख तीर्थों में जब माध्वाचार्य जी स्नान करने जाना चाहते थे, यानी कि वसुदेव जी, तो उनकी माता ने उनको रोकना चाहा। तो यहाँ ही पे माध्वाचार्य जी ने लाठी से ऐसे रख के यहाँ पे पुण्य को प्रकट किया, जिसे कहते हैं वसुदेव तीर्थ। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप चार तीर्थों में जाएं और केवल यहाँ स्नान करें तो इसे एक समान माना जाता है, क्योंकि चारों तीर्थों का जल यहाँ पे मिला हुआ है। इस स्थली को कहते हैं ऋण विमोचन स्थल। तो यहाँ पे बताया जाता है एक बारी वासुदेव के पिता मध्यगे थे, तो मध्यगे ने एक बैल को लिया एक धनी व्यक्ति से, तो उसका ऋण चुकाना था। तो वो धनी व्यक्ति यहाँ पे आया, तो उनको यहाँ पे उनका घर हुआ करता था, तो उन मध्यगे को उनके घर नहीं जाने दिया। इसी प्रकार से जब उनने देखा वासुदेव ने कि उनके पिता बाहर है, तो उन्होंने इसी इमली के पेड़ से, आप यहाँ देखेंगे जितना उनका ऋण था सोने के सिक्के थे, तो उन्होंने सोनों के सिक्के की जगह यहाँ पे उन्हें इमलियाँ प्रदान करी गई, और इमली प्रदान करने के बाद वो सोनों के सिक्के में परिवर्तन हो गई। तो इस स्थली को ऋण विमोचन स्थल कहते हैं। तो यही लीला स्थली में इसी पेड़ है माध्वाचार्य जी के समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बारी वसुदेव जी, उनकी माता वैद्यवती थी, तो यहाँ पे वो आए। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा उनकी माता ने कि यहाँ पे वेसल्स रखे हुए, यानी पात्र हैं दूध और दही के, उनको ध्यान रखने के लिए बोला। तो वसुदेव जी जो अपने मित्रों के साथ खेलने जाना चाहते थे, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टोन का स्लैब लिया। आप देख सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली थे। जिस प्रकार से हनुमान जी ने पर्वत को उठाया, उसी प्रकार से माध्वाचार्य जी ने यहाँ पे स्टोन के स्लैब को रख के इन पात्रों को कवर किया। तो ये वही लीला स्थली है जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी सी शिला है, यहाँ पे उसको कवर करके रखते थे और अपने मित्रों के साथ खेलने जाया करते थे। ये जो लीला स्थली आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है। तो ये वही वृक्ष है जहाँ पे एक मणिमान असुर रहा करता था। तो बताया जाता है एक बार वसुदेव यानी कि माध्वाचार्य और उनके पिता मध्यगे थे, तो मध्यगे ने पूछा अपने पुत्र को कि हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो ये छड़ी लेके। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करूँगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पीपल का वृक्ष है, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो जब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे छड़ी को गाड़ा, तो अपनी छड़ी को गाड़ने से बीज यहाँ पे था वो फूटा और यहाँ पे एक विशाल पीपल का वृक्ष बन गया, और मणिमान असुर जो है उनको उन्होंने पराजित किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया आने वाले कलयुग में कि पूरा एक संप्रदाय आगे लेके गए। और आज उसी संप्रदाय में हम देखते हैं कि महान महान आचार्य आए और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आए। ये वही स्थान है जहाँ पे माध्वाचार्य जी का विग्रह है और यहाँ पे माध्वाचार्य जी के चरण चिन्ह भी हैं। तो यहाँ पे एक बार की बात है कि वेदवती थी उनकी माता, उन्होंने माध्वाचार्य जी को भोजन के लिए पुकारा, प्रसाद के लिए। तो माध्वाचार्य जी उस समय विमानगिरी पर्वत पे दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे। तो जब वो दुर्गा जी की उपासना कर रहे थे, क्योंकि उनकी कुल विग्रह थी, तो वहीं पे एक मणिमान असुर भी था जो ऐसे हमने अभी दिखाया। तो उन्होंने उसे अपने पांव के अंगूठे से कुचला और कुचलने के बाद वहां से छलांग लगाई। माता की पुकार उन्होंने वहां तक सुनी कि मेरी माता ने मुझे पुकारा है। और जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका को और छलांग लगाई गंधमाधन पर्वत से, उसी प्रकार से माध्वाचार्य जी ने विमानगिरी पर्वत से छलांग लगाई और सीधा यहाँ पे आए। तो यहाँ पे उनके चरण चिन्ह है और यहाँ पे उनका विग्रह भी है जो आगे उन्हीं के संप्रदाय के स्वामी जी ने यहाँ पे स्थापित करे।
इस लीला स्थली में माधवाचार्य जी आए। माधवाचार्य जी ने यहाँ पे मणिमान असुर जो कि सर्प के रूप में रहता था उसको अपने अंगूठे से कुचल के उसका वध किया और यहाँ से फिर दुर्गा जी की उपासना को आगे बढ़े और फिर वहां से विमानगिरी पर्वत से छलांग लगाई। इससे पहले हमने आपको दिखाया वहां पे माधवाचार्य जी के चरण चिन्ह भी है। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी कलयुग में आए, द्वापर युग में भीम आए और त्रेता युग में यही हनुमान जी के रूप में आए। तो ये है कुंजारूगिरी पर्वत, यहाँ पे भगवान परशुराम का सुंदर विग्रह है। जब बताया जाता है परशुराम जी मातृ हत्या के प्रायश्चित करने के लिए इस पर्वत पे आए और यहीं पे उनकी प्रतिष्ठित दुर्गा देवी जी का भी मंदिर है। तो इसी पाजक क्षेत्र के पास में ही ये कुंजारूगिरी पर्वत कहलाया जाता है। तो यहाँ पे माधवाचार्य जी का जन्म स्थान भी है, भगवान परशुराम ने भी यहाँ पे निवास किया और यहीं पे उन्हीं की शक्ति दुर्गा देवी का यहाँ पे मंदिर भी है। तो हमें यहाँ पे अवश्य दर्शन करने आना चाहिए क्योंकि भगवान के दर्शन से पहले जिस प्रकार से हम गुरु के दर्शन करते हैं उसी प्रकार से उरूपी कृष्ण के दर्शन से पहले हमें माधवाचार्य जी के लीला स्थली के दर्शन करने चाहिए, उनके विग्रह का दर्शन करना चाहिए, उनके चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए और फिर हमें भगवान उरूपी कृष्ण के दर्शन के लिए जाना चाहिए।